नमस्कार जी हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं IPL 2023 के मिनी ऑक्शन के बारे में। इस बार मिनी ऑक्शन 23 दिसंबर को होने वाला है और IPL के मिनी ऑक्शन में इस बार कुल 305 खिलाड़ी की बोली लगेगी, जिनमें से 273 खिलाड़ी इंडिया के होने वाले हैं और 135 खिलाड़ी होंगे विदेश की। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सभी फ्रेंचाइजी के पास उनके फर्श में कितने रुपये बाकी हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप अपनी फेवरेट टीम का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जिसे आप IPL में सपोर्ट करते हैं, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए, अब मैं बात करता हूँ अपनी फेवरेट टीम CSK के बारे में। CSK के पास लगभग 20 करोड़ रुपए की राशि बाकी है, तो CSK की टीम 20 करोड़ तक खर्च कर सकती है। अगर बात करें कि CSK की टीम की नज़र किस खिलाड़ी पे होने वाली है, तो CSK की टीम की नज़र सेम करण पे होने वाली है। सेम करण पहले भी CSK की टीम की ओर से खेल चुके हैं, तो CSK सेम करण को अपनी टीम में जोड़ सकती है, क्योंकि सेम करण ने हाल ही में हुए वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के लिए अहम भूमिका निभाई है। CSK की टीम कप्तान को लेकर भी कुछ बड़े फैसले ले सकती है, क्योंकि CSK की टीम में अभी कप्तानी को लेकर बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं। अगर बात करें MS धोनी के बारे में, तो MS धोनी का यह लास्ट IPL होने वाला है, जिसके कारण नहीं लगता कि उनको कप्तान बनाया जाए, और जडेजा वैसे भी कप्तान नहीं बनना चाहते। तो अब कप्तान की रेस में सबसे पहले नाम आता है मोइन अली का। मोइन अली कप्तानी के लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। इसके अलावा कप्तानी की सूची में ऋतुराज गायकवाड़ का नाम भी आता है। अगर बात करें इस बार IPL में सबसे ज़्यादा रुपये किसके पास हैं, तो उसका नाम है सनराइज हैदराबाद। हैदराबाद की टीम के पास लगभग 42 करोड़ रुपये शेष है, तो हैदराबाद की टीम कुछ बड़े खिलाड़ियों को खरीदना चाहेगी, और हैदराबाद की टीम की नज़र सबसे ज़्यादा बेन स्टॉक्स पे होने वाली है। और हैदराबाद ने इस बार केन विलियमसन को रिलीज कर दिया है, जिसको देखते हुए लगता है कि बेन स्टॉक्स को टीम खरीद कर और कप्तान बना सकती है। अगर बात करें किस टीम के पास सबसे कम रुपये बाकी हैं, तो उस टीम का नाम है कोलकाता नाइट राइडर्स। कोलकाता नाइट राइडर्स के पास अभी केवल 7 करोड़ रुपए बाकी हैं। तो कोलकाता की टीम कुछ बड़े खिलाड़ियों को खरीदना चाहेगी, लेकिन वो चाहकर भी उन खिलाड़ियों को नहीं खरीद सकती है। अगर बाकी टीमों की बात करें, तो बेंगलोर के पास लगभग 8 करोड़ रुपए बाकी हैं। और अगर बात करें राजस्थान रॉयल्स के बारे में, तो राजस्थान रॉयल्स के पास अभी 13 करोड़ रुपये शेष हैं। तो राजस्थान की टीम कुछ खिलाड़ियों को खरीद सकती है। आगे अगर और फ्रेंचाइजियों की बात करें, तो गुजरात टाइटन के पास भी लगभग 19 करोड़ रुपये बाकी हैं, और दिल्ली कैपिटल्स के पास भी 19 करोड़ रुपये बाकी, जिससे दिल्ली कैपिटल्स की टीम इस बार फास्ट बॉलिंग में कुछ ज़्यादा विकल्प देखना चाहेगी। अगर बात करें मुंबई इंडियंस के बारे में, तो मुंबई इंडियंस के पास 20 करोड़ रुपए बाकी हैं। मुंबई इंडियंस के पास फिलहाल बहुत ही अच्छी टीम है, क्योंकि इस बार जोफ्रा आर्चर ने भी मुंबई में वापसी कर ली है, लेकिन फिर भी मुंबई की टीम कुछ अच्छे खिलाड़ियों को खरीदना चाहेगी, जिससे आने वाले टाइम में उनके पास बॉलरों की कमी ना हो सके। अगर बात करें लखनऊ की टीम के बारे में, तो लखनऊ की टीम के पास भी 23 करोड़ रुपये शेष हैं, जिससे यह फ्रेंचाइजी भी अपनी टीम में कुछ सुधार कर सकती है। लास्ट हम जिस टीम के बारे में बात करने वाले हैं, उसका नाम है पंजाब किंग्स। पंजाब किंग्स के पास फिलहाल 32 करोड़ रुपए शेष हैं, जिससे पंजाब किंग्स अपनी टीम में काफ़ी सुधार कर सकती है। अगर आपको सभी टीमों के पास शेष रुपयों की लिस्ट देखनी हो, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।